युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का रायपुर से विशेष नाता रहा है। यहाँ का बूढ़ा पारा आज भी स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजे हुए हैं। यहाँ का डे भवन स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों का गवाह है। यहाँ के इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त उस समय देश के जाने माने वकीलों में शामिल थे और इसी सिलसिले में उनका रायपुर आना हुआ था। अपने पिता के साथ बालक नरेंद्र भी रायपुर आए थे और यहाँ 2 वर्षों तक रहे। स्वामी विवेकानंद रायपुर में इस बिंदु को मैंने अन्वेषित किया तब जब माधव सप्री विद्यालय 1962 में मैं पढ़ रहा था तो सामने के घर में स्वामी आत्मानंद जी और सत्य रूपानंद जी एक कमरे में ऊपर रहते थे, बाजू में डॉक्टर जिन्ना स्वामी और नीचे के गणेश शंकर मिश्र प्रसिद्ध चित्रकार एम पी के। तो मेरे मन में उसी दिन से जिज्ञासा हुई थी और मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके घर को, निवास को और उनके बारे में जितनी सामग्री मिली ढूंढूंगा। 4-5 मकान थे, काफ़ी 20-25 वर्ष लग गया मेरे को। अंततः मैंने वो इसको प्रमाणित किया और ढूंढ करके निकाला तो डे भवन जो हम कहते हैं भूतनाथ डे, जो कि रायपुर के सभापति बैरिस्टर काफ़ी प्रसिद्ध वकील थे, उनके यहाँ उनके दोस्त थे विश्वनाथ दत्त जो विवेकानंद जी के पिताजी थे, मुकदमे में के सिलसिले में रायपुर आए थे। तो 6 महीने पहले वो आ गए थे पिताजी उनके, और उसके बाद अपने परिवार को लाए थे। उनका परिवार नागपुर से रायपुर बैलगाड़ी में 15 दिन में पहुँचा था और डे भवन में वो लोग 6 महीने रुके थे और बाद में पुत्री साला के बाद में सेनबाड़ा है वहाँ पे रुके थे। सेनबाड़ा के बाजू के घर में जो कुआं था जिसका उपयोग ये लोग करते थे अभी विद्यमान है। तो इस प्रकार से जानकारी मैं इकट्ठे करते गया वहाँ के बुजुर्ग लोगों से और ये 4-5 घरों के बाद में फिर 2 घरों को मैंने ये प्रमाण से इंगित किया, एक तो डे भवन, दूसरा सेनबाड़ा। यहाँ पर वहाँ जो बुजुर्ग थे उन लोग बताते थे कि एक गोरा गोरा लड़का रोज वहाँ डे भवन जाता था, इससे इन बड़ा जब रहते उस समय बात है, और ये डॉक्टर मुखर्जी थे उनका लड़का उनका मित्र था। और ये बात है 1870 से 1879 के बीच की। तो 14-16 साल की उम्र में विवेकानंद जी रायपुर में थे और आबहवा के दृष्टिकोण से उनको इतना लाभ हुआ कि जब वहाँ से आए थे जीर्ण शीर्ण मतलब काया में थे, लेकिन जब यहाँ से गए थे स्वस्थ शरीर लेकर के गए, तो हमें इस चीज़ को प्रतिपादित किया था कि जब डे भवन में रहते थे तो निश्चित रूप से कि स्नान के लिए वो बूढ़ा तालाब जाते रहेंगे और वहाँ पे एक द्वीप वगैरह आज उनकी स्मृति में बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए रायपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना भी की गई जो आज भी संचालित है और मानव सेवा के लिए काम कर रहा है। रामकृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी अव्यात्मानंद जी ने आश्रम के कार्यों और क्रियाकलापों की जानकारी दी। स्वामी जी का एक सिद्धांत है, यदि गरीब यहाँ नहीं आ सकता तो हम तो गरीब के पास जा सकते हैं, इसलिए धर्म को गांव-गांव में ले जाके व्यवहार जगत में ला के उसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये स्वामी जी ने विशेष रूप से यह रास्ता दिखलाया। और रामकृष्ण मिशन के अभी 235 के आसपास शाखाएं हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, संसार में रहो पर संसार में मत रहो और संसार की सेवा करो, इससे जगत का भी कल्याण होगा, अपने भी मुक्ति होगी। स्वामी जी से जुड़ी कुछ यादें जो आपको जानकारी हो यहाँ रायपुर से जुड़ी कुछ यादें? रायपुर में विशेष ऐसा कुछ तो नहीं था, स्वामी जी थे तो यहाँ 2 साल करीब थे और पढ़ाने के लिए टीचर वहाँ आते थे, कुछ संगीत की साधनाएं भी करते थे। बताते हैं कि रायपुर यात्रा के दौरान ही स्वामी विवेकानंद जी को जीवन में पहली बार भाव समाधि का अनुभव हुआ था। तो ये आपने देखा और जाना कि किस तरह स्वामी विवेकानंद जी का बचपन रायपुर में गुजरा था। रायपुर और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां और जो किस्से हैं वो हमने आपसे साझा की, कुछ इतिहासकारों से भी हमने बातचीत की, इसके अलावा जो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं उनसे भी बातचीत की, जानने की कोशिश की कि किस तरह स्वामी विवेकानंद का बचपन जो है रायपुर में बीता था और उसके बारे में क्या कुछ जानकारियाँ उन्हें जो है हैं, इसके बारे में भी जानने का प्रयास हमने किया है। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ अंकित मिश्रा, DD News रायपुर।